तुसी देख रहे हो विनिंग पंजाब टीवी तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा। वड्डी खबर सामने आ रही है, अज मान सरकार बजट पेश करन जा रही है। दस दिए कि पंजाब विधानसभा के बजट सैशन की शुरुआत 24 जून नूं हुंदी है ते 30 जून तक यह सैशन चलना है ते अज 27 जून यानी कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अज बजट पेश करन जा रहे हैं। की कुछ पंजाबियों के लिए खास रह सकता है, किहड़ियां खुशखबरियां मिल सकदियां ने, इस मुतलक तुहानूं तमाम जानकारी देवांगे। साडे नाल इस वक्त जुड़े ने पंजाब दे एक वड्डे सियासी माहिर ते उगे सिख विद्वान सरदार प्रीतम सिंह खानपुर वड़िंग। सब तो पहला सर विनिंग पंजाब टीवी के उत्ते स्वागत है जी। गुरप्रीत जी, मैं विनिंग प्रोग्राम देख रहे समुचे स्रोतियां दा अपने दिल दी गहराई तो फतेह अर्ज करदा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। खानपुर साहब, जिस तरीके दे नाल अज बजट पेश करन जा रही है मान सरकार, पहला बजट है मान सरकार दा, जिस तरीके दे नाल आपां कह सकदे हां कि पंजाब दे विच पंजाब दे इतिहास में पहली बार जिहड़ी एक नवी पार्टी की सरकार बनी है, पहली बारी सरकार बनी है, पहले बजट पेश करन जा रहे ने, की कुछ खास रह सकता है पंजाबियों दे लई? गुरप्रीत जी, पहला तो मैं सरदार भगवंत मान जी नूं बधाई दिना जिन्होंने पहला बजट पंजाब दा पेश करन दा माण बख्शिया, जिन्होंने पंजाब दे लई पंजाब दे मुख्यमंत्री बनने तो पहला बड़ा कुछ कहा, मैं पंजाब लई ये करांगा ये करांगा ये रहता दवांगा, इनू बहुत कैलीफोर्निया बना देंगा या तरक्की वाले पासे लै जाएगा। चलो वाहिगुरू ने समां दित्ता इन्हां नूं बजट पेश करन दा, पर बजट पेश करन तो पहले धक्का एक बहुत बड़ा लग गया संगरूर का, वह धक्का भी यह बजट के असर जरूर दिखाई देगा जी। पर जिहड़ा ये बजट पेश करनगे उहदे विच लोगों नूं आसां बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा उम्मीदां ने कि सरकार करूगी, पर मैनूं नजर यह आ रहा है कि घर दाणे नहीं अम्मा पिहाउण गई है, क्योंकि पंजाब पहला ही 300 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जई होया होया, वह कर्जे का भार ही इन्होंने कोल जुम्मा है, होर लोगों रहता या बजट भी छोटा दे के पैसा कितों लियाउणगे, वह पैसा किवें पूरा करनगे। पर मैं इसनूं गल होर भी याद है कि केजरीवाल जी ने कहा कहिंदा मेरे कोल 57 लाख करोड़ रुपया मैं पंजाब दे लई रख्या होया है, वो ये नहीं पता कित्थे रख्या होया है, किहड़ी थां ते रख्या होया है, किते वो पोपली मांगू किते दब गए रख्या होया भी उन्हें आके कोई होर कढ़ाऊगा, वो हुण मौका है कि वो पैसे नूं कढ के पंजाब दे हितां दे लई पैसा करना, क्योंकि लोग इन्हां तों निराश हो चुके ने। लोगों की निराशता का कारण ही जिहड़ी सीट है संगरूर की इन्हां दे हत्थां तों गई है, जेकर बजट चंगा पेश नहीं करदे लोगों के हितां दे लई, लोगों नाल कीते हुए वादे नहीं पूरे करदे, 2024 दूर नहीं हैगा, जो हाल इस इलेक्शन जिमनी दे विच होया 2024 दे विच भी यह हाल हो सकता है, पर मैनू आस है इन्नी आस नहीं हैगी कि यह बजट दे विच जो इन्होंने गल्लां करियां उन्होंने पूरियां करनगी, पर यह अक्षरां दा हेर फेर जरूर पाउणगे, असीं जी इन्नियां सबसिडियां दे रहे हैं जी, इन्नियां छोटां दे रहे हैं जी, इन्ना किसानी नूं देवांगे, इन्ना मुलाजमां नूं देवांगे, इन्ना इंडस्ट्री नूं देवांगे, बाकी कहते को शोभा नहीं देखा ही परवान है, पता लग जाना है जो बजट पेश होगा पटियाले दे विचों केड़ा फनियर नाग निकलदा जिहड़ा बाहर आके फनकारा मार के लोगों को खुश करूगा या डराऊगा। कई बार जिहड़ा सपेरा हुंदा बाहर बीन बजाउंदा, बीन बजा के कहिंदा देखो तुहानू काला नाग फनियर नाग, वह नाग कोत के नाग कहिंदागा, तुसीं देख के जदों कढ़दे आ विचों मरी च सपनी निकल आउंदी है, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੈ। जिस तरीके दे नाल उन्होंने गल कही सी कि पंजाब दे लोकां दी राय लई जाएगी दे विच, ते हो सकता है कि राय लई भी होवे, ते उस मुतलक कि अज जिहड़ी शुरुआत कीती जावे इस बजट सैशन दी, ते उहदे विच क्योंकि जे लोकां दी राय लई है तां फिर जो लोक चाहुंदे ने उस ओह पॉइंट ने लाजमी तौर ते शामिल कीते होणगे, ते उस तरीके दा फिर माहौल रहण वाला है कि आ देखो पंजाब दे लोक आ कहिंदे सीगे, पंजाब दे लोक आ कहिंदे सी, उस मुताबक असीं बजट लै के आए हां, ते पंजाब दे लोकां दीआं आ मंगां नूं असीं सामने रखिया, तां जेकर जिहा हुंदा तां फिर जिहड़े विरोधी पार्टियां ने की फिर भी विरोध करनगियां इसदा? गुरप्रीत जी देखो,
हर एक सियासी पार्टियां एह लोगों की राय नाल असीं बजट बनाया ते खास करके जिहड़ी आम पार्टी है ये तो आम कहिंदे जो असीं कम करदे आ लोगों की राय लैंदे आ तुसीं देखो इन्हां कोल राय लैण दा समां कित्थे मिलिया राय लैण दा समां समां तां इन्हां कोल इलैक्शन लड़न दा सीगा उसे ते सारे लगे रहे 92 MLA रखे लगे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री रखे डिप्टी मुख्यमंत्री रहे पंजाब के लगे रहे सारे लगे राय लैण दा समां राय तो लैण दा पहला भी कहा सी मैं मैंबर पार्लीमेंट बनावा लोगों की राय नाल बनावांगे वो किहड़े लोगों की राय लई ते किहड़े लोगों की राय के उत्ते इन्होंने फुल चढ़ाए किहड़े ओले इसे तरह यह भी एक हाथी के दंद खाण के होर होंगे ने दिखाण के होर होंगे ने लोगों को गुमराह करने वास्ते असीं लोगों की राय के नाल बच्चे बनाया राय रू किसी लई जो कुछ इन्हों दिल्ली वाले केजरीवाल ने इन्हों कहा भी इदा करो इदा करो इदा करो अक्षर का एर फेर कर दो लोगों को समझ लगे अस ये दे रहे हैं पिछलिया सरकार भी तकरीबन इदा अद पचलता वो कागजा के रोड़ जाए थी लोगों को पता ही नहीं दसता की होया मैनू लगता यह सरकार भी इदा की करो भी मैं लगता कोई खास पंजाब के हित दे बजट नहीं होगा सिर्फ लोगों के हंझू पूछने लोगों को कहने वास्ते असं इन्ने करजाई अस कर रहे हैं कुछ अभी पैसा पैदा करांगे टैक्स लावांगे फलाना करांगे पर बाकी कहते को शोभा नहीं देखा ही परवाना आप पहला कही जा करेंगे हूँ ज्यादा दूर नहीं हूँ तो लाड़ा घोड़ी के चढ़ वाला बरात इकट्ठी हो चुकी है बाजे बच चुके हैं थोड़े समय के बरात विदा हो गए बजट पेश हो जाने आपां नूं पता लगा मैं तो आस करांगा कि मान साहब अते दूजे अपने हरपाल सिंह जी टीमां वधिया पेज बजट पेश करेंगे तो इतिहास के पंजाब के इतिहास में लिखा जाऊ कि आम सरकार पार्टी ने पहली बार जो बजट किया ये लोगों के हित लई लोगों की भलाई लई लोगों के फायदे लई खानपुर साहब तुहाडे तो पुछांगे दो वड्डे ऐसे किहड़े मुद्दे ने पंजाब दे जिन्हां ते काम होना चाहिए जिस दे नाल पंजाब खुशहाल हो सकदा पहले दो मुद्दे चट्ठा साहब पहले मुद्दे तो यही ने साडा जिहड़ा पंजाब है एक एजुकेशन एक हैल्थ ये दोनों के उत्तों मार खा रहा है अज एजुकेशन भी इन्नी महंगी हो चुकी है कि कोई गरीब बंदा अपने बच्चे नूं चंगे स्कूल दे विच पढ़ा नहीं सकता हेल्थ का सिस्टम यह है कि अज बीमारी कोई हो जाए गरीब बंदा अपना इलाज नहीं करा सकता ये दो मुद्दे बहुत ही पंजाब बाकी तो मुद्दे बहुत ने पंजाब के थोड़े थोड़े समय में नहीं व्याख्या की जा सकती लेकिन यह मुद्दे जरूरी ने जिहड़ा तीजा मुद्दा इन्होंने करप्शन का चुकया मैं कहना बहुत ही सलाघा योग है इस मुद्दे नूं भी जारी रखन इस मुद्दे नाल पंजाब दी सियासत दे विच लीडरां ने ते अफसरशाही ने जो पंजाब नूं लुटिया जो पंजाब नूं बर्बाद कीता है पंजाब दी डिवेलपमेंट नहीं कीती इन्हां ने अपनी डिवेलपमेंट कीती है वो डिवेलपमेंट जो इन्होंने अपनी कीती है अज लोकां दे घरां दे विचों सोना दे किलोआं दे किलो किसी दे घर दे विचों अद्धा तोला तोल सोना नहीं मिलता अज किसी नूं तुसीं पुछ के देखो वह भी बैंक कोल अगले ने गिरवी रख के लोन लिया होना पर इन्हां लोकां ने एक कला मैं पोपली की गल कर किसी भी IAS अफसर को कुछ बंद छड़ के इसे तरह बड़े लीडर मंत्रियों कुछ न छड़ के हाथ पाओ यहाँ किलोआ के ना मिले उत्थे अद्धे अद्धे क्वांटल तक भी सोना होर कीमती रह गए जब तक ये पैसा कट्ठा कर देंगे तो मैं कहना बजट जिहड़ा मर्जी बंदी जो वधिया भी अगला पेश कर सकते हैं पर वो पैसे नूं कट्ठा करके लोग हितां दे लई लोगों के भले लई लोगों तों कीता होया पैसा कट्ठा वह लोगों के हित लई लाया जाए तो बजट अगला ये तो बजट पहला अगला बजट कोई वधिया पेश हो सकता है पर इस काम नूं नेपरे चाढ़ना चाहिए पिछे ही छड़ना चाहिए क्योंकि बहुत औकड़ा आउंदियां ने बहुत प्रॉब्लम आउंदियां ने इस इंसीडेंट के नौजवान बेटा उन्हों का जिहड़ा है उसकी डैथ हो गई है कोई तो कहिंदे सुसाइड किया वह कहिंदे ने गोली मारी है लेकिन ये सच्चाई है जो इनक्वायरी के बाद सामने आ जाऊगी ये कल्ले नहीं जेड़े जेड़े फसणगे बहुत लोग सुसाइड करके अपनी जान इज्जत बे बचाउण दे मारे उन्हां दी औलादां बेइज्जती करन तों बचण दी मैनूं इक गल याद आ गई जदों रवि सिद्धू चेयरमैन सीगे SFP पबलिक सर कमीशन दे उन्हां दे घर महाराजा वरिंदर दे टाइम रेड पई सी उन्हां दे कोलों भी करोड़ां रुपईआ अलमारियां ट्रंकां नोटां दी भरियां गईआं सन उन्हां नूं फड़ के जेल दित्ता सी उन्हां दी इक इक बेटी सीगी उन्हें यूनीवर्सिटी के दाखला लेना थी जो यूनीवर्सिटी के दाखला लैन गई उसे स्टूडेंट कहते चोर की कुड़ी आ गई वह चोर की कुड़ी आ गई वह पंजाब के दाखला नहीं सी लै सकी वह जाके किसी बाहर स्टेट के जाके उन्हें दाखला लिया तो उन्होंने कोई जानते नहीं बुले साहब ने बहुत सोहना लिखा कहना आ बुलिया आप उत्थे चलीए जिथे होण अकल दे अन्ने जी आ बुलिया आप उत्थे चलीए जिथे होण अकल दे अन्ने ना कोई साड़ी रमज पछाने ना कोई सानू मने
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੇ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਣ ਸਮਝਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਬੜਿੰਗ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।